इस खबर की सह प्रायोजक है संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महारौनी रोड मसौरा कलां ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको बताते चलें कि ललितपुर पुलिस अधीक्षक कैप्टन एमएम बेग द्वारा ललितपुर की पुलिस लाइन स्थित परिसर में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं जागरूकता के संबंध में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रताप सा हर और CMS डॉक्टर एस के वासवानी द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व जागरूकता के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस वर्कशॉप में अपर पुलिस अधीक्षक अवधेश विजेता, पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर केशव नाथ, शहर कोतवाली प्रभारी संजय कुमार शुक्ल के अलावा भी पुलिस कार्यालय के सभी पुलिसकर्मी व कॉल 112 प्यारव के पुलिसकर्मी व समस्त जिले के थानों से आए पुलिसकर्मियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व जनता में जागरूकता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। देखिए ललितपुर लाइव टीवी की रिपोर्ट। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ शिब्बू राठौर की रिपोर्ट है, ताकि इस तरह की कोई बात हमारे यहाँ ना आ पाए। आप लोगों को भी इस विषय में जानकारी देने के लिए मैंने CMS साहब और CMO साहब से अनुरोध किया है, ताकि हम लोग ये जानें कि कोरोना वायरस क्या चीज़ है, इसके क्या लक्षण हैं, इससे बचने के क्या उपाय हैं, हमें लोगों को कैसे जागरूक करना है और अपने आप को कैसे इस विषय में अलर्ट रहते हुए सुरक्षित रखना है। चूँकि हम लोग पुलिस के अंदर जनता के कॉन्टैक्ट में हैं, जनता बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि हम सब लोग कोरोना वायरस के संबंध में पूरी जानकारी रखें और इससे बचाव के क्या रीज़न है, कैसे अपने आप को इसमें सेफ रखना है, उसके विषय में जानकारी रखें। तो मैं इस विषय में CMO साहब से अनुरोध करूँगा कि कृपया मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। तो इसको आपको कुछ प्रिकॉशंस रखना है और आपको ये नहीं है कि आपको मास्क लगा लिया तो मास्क बचा देगा कि कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। आंखें आपकी खुली रहेगी, यदि आपने नाक और मुंह बंद कर लिए मास्क से तो आंख अवयव भी खुली हुई है। तो हमको ये देखना है कि सबसे पहले तो संदिग्ध कोई व्यक्ति जो वहां से चीन से आया, चीन के द्वारा दूसरे देश में गया, दूसरे देश से फिर हमारे इंडिया में आया, इंडिया के द्वारा फिर अपने ललितपुर में आया, यदि कोई अभी कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, सामान्य स्थिति है। यदि आवश्यकता होगी, एडवाइस होगी तो हम बताएंगे, बताएं इसको प्रवास रखना है। सिर्फ हम लोग तैयारी हालत में रहें।